भाइयों आदाब नमस्कार। आज इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से, धमाकेदार बहुमत से वापसी कर रही है। लेकिन ये आपको जान लेना जरूरी है कि ये जो बहुमत आ रहा है, ये बीजेपी को जो बहुमत मिल रहा है, ये बीजेपी को बहुमत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन को बहुमत जा रहा है। आदरणीय इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसी मनमानी करी है, जानबूझ के मोदी सरकार ने ऐसे आदमी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया है जो एक भी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए एक भी स्टेप नहीं लिए, सब उल्टे स्टेप लिए। यहाँ तक कि पूरा देश जब कह रहा है कि जो पांच जो है वीवीपैट को पहले आपको पहले कराना चाहिए, मर्ज को पहले चेक कराना चाहिए, मर्ज को बाद में चेक कराना, जब आदमी मर जाएगा तब आप मर्ज को चेक करेंगे कि हाँ जी मुर्दा क्या, कौन सी बीमारी से पीड़ित था। पहले पांच वीवीपैट को मिलान कराते, अगर गड़बड़ निकलते तो सबकी आप जाँच करते। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये पूरे देश हित में है, प्रजातंत्र के हित में है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मोदी सरकार की या बीजेपी की जीत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके ये जीत करी गई है। ये सरासर इलेक्शन कमीशन के, सिर्फ ये क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है बीजेपी की जीत और कुछ नहीं। जितने वीवीपैट में मिलान हुए हैं, वीवीपैट में वोट जो ज़्यादा है वो कांग्रेस को वोट ज़्यादा है और ईवीएम में वोट जो है वो बीजेपी को ज़्यादा है। जितने वीवीपैट से मिलान हुई हैं, जो पांच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर असेंबली में पांच वीवीपैट का मिलान होगा और वीवीपैट के मिलान जो हुए हैं वो हर वीवीपैट के मिलान में जो वीवीपैट में जो कागज स्लिप मिली है वो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिल रही हैं और ईवीएम में बीजेपी को वोट मिल रही हैं। एक 1.5% वीवीपैट का मिलान हो रहा है, 99% वीवीपैट मिलान नहीं हो रहा है, 99% में अपने मन मर्जी से वोट जो है ये करी गई है। एक बात। दूसरी बात भाइयों, मेरे देश के सभी लोगों, ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए हैं और एक फेज से दूसरे फेज के इलेक्शन कराने में 6 दिन से लेके 8 दिन का गैप करा गया है। क्यों आपको मालूम है? इस वजह से कि जहां जहां इलेक्शन होते थे और फिर दूसरे चरण के इलेक्शन होने से पहले पहले जो जो ईवीएम जो कि वहां पे जिस पे पोलिंग हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए 6 दिन दिए गए थे। जो 20 लाख ईवीएम गायब थी पूरे देश में, 20 लाख ईवीएम आप समझने की कोशिश करिए, ये रिकॉर्ड पे है, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे है, आरटीआई में है, 20 लाख ईवीएम गायब हैं। वो 20 लाख ईवीएम अब आ रही हैं वापस, जो इलेक्शन में आप वोट दे रहे हैं वो ईवीएम 6 दिन में गायब होके, और जो 20 लाख में ईवीएम जो बीजेपी के ऑफिस में या जहां भी एक जगह सेट होके किसको कितना वोट देना है वो ईवीएम आके रिप्लेस हो जा रही है, फिर 6 दिन के बाद ये 6 दिन में सेटिंग हो जा रही है, अगले इलेक्शन हो रहा है, अगले इलेक्शन में फिर 6 दिन 7 दिन 8 दिन अगले इलेक्शन से पहले वो सब सेटिंग हो जा रही है। एक एक सीट को टारगेट कर करके करा गया है। राहुल गांधी की सीट, सोनिया गांधी की सीट, अखिलेश सबके, जो कुछ सीटें छोड़ के सिंधिया की सीट, जो बड़े बड़े जहां से कि उनके जीतने के चांसेस थे उन सबको हर जगह पे जो है एक लेवल पे सीट सेटिंग करी गई है। यहाँ तक कि जो सरकारें थी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, जो कि नन बीजेपी सरकारें थी, उनको कानों कान भनक तक नहीं लगी कि 6 दिन में क्या हो रहा है। जब एग्जिट पोल आया तो सबके कान खड़े हो गए कि अरे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, तो एग्जिट पोल के दिन सबके सब जो है अब उस पर खड़े हो रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। अरे आप निगरानी निगरानी कर करके तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपने होने नहीं दिया था,
बीजेपी को इलेक्शन कमीशन को मालूम था कि निगरानी होगी, इलेक्शन कमीशन के जहां स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर जो है अपोजिशन के लोग बैठेंगे, निगरानी करेंगे। तुम्हारी निगरानी करने से पहले ही सेटिंग हो गई, जो 6-6 दिन की दुकैत थे। और ये भी जान लेना कि जहां पे इलेक्शन आखिरी स्टेज में हुए हैं, आखिरी स्टेज वाले इलेक्शन के बाद, क्योंकि निगरानी शुरू हुए आखिरी इलेक्शन में, ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। इन्होंने करने की कोशिश करी गाजीपुर में, करने को चंदौली में कोशिश करने की, ये हुई लेकिन हो नहीं पाया कि 54 लोग हो गए थे। इसलिए भाई अब देश को और देश के नेताओं को ये फैसला लेना है, ये क्या करना है, या तो पूरे देश अपनी गाड़ियों को, जो बैलगाड़ी है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी है घोड़ा गाड़ी, कार है मोटरसाइकिल है, जिस गाड़ी से, जिस भी गाड़ी आपके पास हो, जो भी गाड़ी हो, उसको आप चलाओ और एक दिन रोड पे, एक दिन तय करो कि वो रोड पे अपने गाड़ी को सबको लेकर एक दिन आए और 2 बजे के दिन, 2 बजे के टाइम जहां जो गाड़ी है वहीं पे गाड़ी छोड़ के चले जाए, वहीं पे गाड़ी छोड़ दें। पूरी पूरी देश की ट्रैफिक जाम होनी चाहिए, पूरे देश में ट्रैफिक जो जहां है, गाड़ी अब पार्क रोड पे ही होगी। जब तक, तब तक नहीं हटेगी रोड से गाड़ी, जब तक से कि इलेक्शन दोबारा ना कराई जाए। ये बुरी तरह से ये गणतंत्र की, प्रजातंत्र की ये हत्या है, ये खुलेआम गुंडागर्दी है, बदमाशी है। ऐसी गुंडागर्दी बदमाशी कभी आज तक देखी नहीं गई। इलेक्शन, यहां तक कि जो इंडिपेंडेंट लोग, हर आदमी कह रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन को 5 EVM पैड जो मिलान करानी है वो क्यों करी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, कि कम से कम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, पहले आप उनकी मिलान कराओ, अगर गड़बड़ निकले तो सबकी जो है जांच करो। सब आपने 99% जो है आपने काउंटिंग कर ली, फिर 1% जो मिलान करानी है मिलान करा के, और जो VVPAT में जो वोट है वो आप काउंट कर लो। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है 99% में धांधली हुई है, 1% को आप करके क्या करोगे? पूरे देश को ये सोचना पड़ेगा। अब गाड़ियों की पार्किंग अब घरों में आओ अपने वहां नहीं, रोड पे हो, रोड पे चलते चलते वहीं गाड़ी सब छोड़ दें। पूरा देश जहां पे है वहीं पे रोड पे छोड़ के पार्किंग करके गाड़ी, पूरा रोड, पूरा देश का जो है पूरा जाम, चक्का जाम। इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है, आप लोग कोई सलूशन देंगे, कोई ये नहीं है। पूरे भारत के लोग रोड पे अपना चक्का जाम करें, रोड पे अपनी गाड़ी जहां भी 2 बजे दिन में एकदम जहां पे है, जिस रेड लाइट पे है उसी रेड लाइट पे गाड़ी छोड़ दें, छोड़ के हट जाए अपने जाके, और शांतिपूर्वक आंदोलन करें, गाड़ी रोड पे रहेगी, पूरा देश पिन ड्रॉप, एकदम कोई मूवमेंट नहीं होगा, हर जगह पे ब्लॉक, हर जगह पे जाम। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं। भाइयों दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये राष्ट्रहित में है, ये राष्ट्रहित में है, ये राष्ट्रहित में है, समझने की कोशिश करिए। आज राष्ट्रहित यही है कि प्रजातंत्र को बचाना सबसे बड़ा राष्ट्रहित है। धन्यवाद।